डाउटनेट पे कीजिए अपने सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी, सीखिए न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स और सफाया करें अपने सारे मैथ्स डाउट्स का। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर। क्वेश्चन इज, टू नंबर्स व्हेन डिवाइडेड बाय अ सर्टेन डिवीजर लीव्स द रिमाइंडर 4375 एंड 2986 रेस्पेक्टिवली, बट व्हेन द सम ऑफ द टू नंबर इज डिवाइडेड बाय द सेम डिवाइजर द रिमाइंडर इज 2361, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिवाइजर। ओके, तो देखिए हमारे दो नंबर की वैल्यू, तो सपोज करते हैं नंबर्स हमारे पास P एंड Q। अब अगर इन दोनों नंबर्स को अगर किसी एक डिवीजर से हम डिवाइड करें, तो डिवाइजर है हमारे पास सपोज कीजिए स्मॉल d, ठीक। तो इस केस में जो रिमाइंडर है फर्स्ट केस में वो है 4375 और सेकंड केस में रिमाइंडर है 2986। सो बाय द डिविजन एल्गोरिथम यहाँ से हम ले सकते हैं दैट कैपिटल P इक्वल टू d इंटू क्वेश्चन दैट इज Q1 प्लस रिमाइंडर, और सिमिलरली कैपिटल Q इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन Q2 प्लस रिमाइंडर, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या की बने कि इन दोनों का जो सम है दैट इज पी प्लस क्यू, ये भी सेम डिवीजर से डिवाइड करेंगे, सो दैट इज डी इंटू क्वेश्चन होगा इसका कुछ Q3 प्लस रिमाइंडर है इस केस में 2361, ठीक है। तो ये होगा गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग, लेकिन हमें पी और क्यू गिवन है तो इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं। सो पी प्लस क्यू क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू डी कॉमन लेंगे, सो दैट इज Q1 प्लस Q2 प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे, सो 4375 प्लस 2986, सो दैट इज इक्वल टू 7361, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर रिमाइंडर चाहिए 2361, तो क्या करते हैं इस रिमाइंडर को इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं बैलेंस के लिए। सो ये हो जाएगा डी टाइम्स Q1 प्लस Q2 प्लस 7361, इसमें हम माइनस करेंगे 2361 को और ऐड करेंगे 2361 को, तो ये तो हो गया इसका रिमाइंडर और ये क्वान्टिटी हो गई 5000। सो बेसिकली आ गया डी टाइम्स Q1 प्लस Q2 प्लस 5000 प्लस 2361, तो ये वैल्यू हो गई P प्लस Q की, ठीक है। अब हमें इसको लिखना है इस फॉर्म में कि D इंटू Q3, तो अगर यहाँ से हमें कॉमन लेना है D को, तो देखिए D कॉमन लेते हैं, तो ये हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस 5000 अपॉन D, ठीक है। अब ये Q3 है यानी कि ये एक नेचुरल नंबर होगा, सो Q1 और Q2 ऑलरेडी नेचुरल नंबर है, और दैट मीन्स 5000 अपॉन डी इसको नेचुरल नंबर होना चाहिए। अब इसको नेचुरल नंबर होने के लिए क्या कंडीशन है कि जो डिवाइजर डी है उसकी वैल्यू अगर हम कंसिडर करें 5000, तो ये नेचुरल नंबर हो जाएगा। ओके, सो देयरफॉर द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ डिवाइजर इज 5000, सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी ऑप्शन, ठीक। सो देखिए इसके लिए सिंपल वे भी है कि अगर हमें इस टाइप का कोई क्वेश्चन गिवन है और हमें यहाँ से सम के लिए डिवाइजर पूछा है, तो जो डिवाइजर की वैल्यू होगी दैट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 माइनस R3, यानी पहले नंबर का रिमाइंडर दूसरे नंबर का रिमाइंडर माइनस R3 है दोनों के सम का रिमाइंडर, ठीक है। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं इसमें, सो दैट इज 4375 प्लस 2986 माइनस 2361 दैट इज इक्वल टू 5000, तो ये हो जाएगा रिक्वायर्ड डिवाइजर, सो दिस इज द आंसर। डाउटनेट पे कीजिए अपने सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी, सीखिए न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स और सफाया करें अपने सारे मैथ्स डाउट्स का। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।